नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गुड़िया। cookingexam.in पर आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं यूनिक स्टाइल बनारस की टमाटर चाट। ऐसी चटकारे वाली चाट जिसे आपको देखते ही मुंह में पानी आ जाएगा। इसे बनाना बिल्कुल भी टफ नहीं है, बस थोड़ा सा टाइम टेकन है। लेकिन यह रसीली चाट यदि एक बार बनाएंगे तो आप इसे बिना खाए रह नहीं पाएंगे। बनारस का यह बहुत ही फेमस स्ट्रीट फूड है और वहाँ पर तो काशी चाट भंडार के टमाटर चाट का तो नाम बिकता है। हम अभी काशी तो नहीं जाने वाले, पर वहाँ की टमाटर चाट की लज्जत आप तक पहुँचाने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। गुलाब जामुन की चाशनी, अलग अलग स्पाइसेस का फ्लेवर और मसालों का कॉम्बिनेशन, तरी वाली ग्रेवी का रिस्पॉन्स और कुल्हड़ में सर्विंग, टेस्ट का जो ब्लास्ट करती है, इससे आपका दिन अच्छा हो जाता है। चलिए फिर आज हम रेसिपी नहीं बनाते, आज आपका हम दिन अच्छा करते हैं। ये देखिए, ये हमारे हैं इंग्रेडिएंट्स। चटनी वाले दमालू, प्याज, टमाटर, अदरक, सफ़ेद मटर, छोटी घर पर बनाई हुई मटरी, चाट मसाला, काला नमक, सादा नमक, मिर्ची, जीरा। चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है देसी घी और लोहे की कढ़ाई मस्ट है। इसके बाद हम जीरा और अदरक डालेंगे। अदरक और मिर्ची के बिना तो चाट नहीं। अब यहाँ पर हमने डाला है थोड़ा सा प्याज और भून लेंगे। इसके बाद हम डालेंगे कटे हुए टमाटर। टमाटर को यदि आपके पास समय है तो आप उसे थोड़ा सा बॉयल कर लें। बॉयल करके इसके छिलके उतार कर भी आप प्यूरी बनाकर यूज़ कर सकते हैं। हमने यहाँ पर काट के यूज़ किया है और इस तरीके से पका लेंगे। आपने कभी भी चाट खाया होगा, आपने हमेशा लोहे की कढ़ाई या लोहे का तवा ही देखा होगा, इसलिए लोहे का बर्तन यूज़ करिएगा। यहाँ मैंने डाला मटर, ये मैंने बॉयल किए हुए मटर डाले हैं, और ये है हमारा चटनी वाला दमालू। इसकी जगह पे आप सिंपल बॉयल्ड आलू भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यदि आपको चटनी वाले दमालू डालना है तो आप हमारे चाट के प्लेलिस्ट में जाकर इसे देख सकते हैं। हमने यहाँ पर नहीं किया है क्योंकि हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती इस वजह से। अब यहाँ पर देखिए, जो हमने डाला है थोड़ा सा काला नमक और लाल मिर्ची पाउडर, ये हम डाल रहे हैं चाट मसाला, भुना हुआ जीरा और सादा नमक। इसको हमको 15 से 20 मिनट तक भूनना है। यहाँ हम डाल रहे हैं खटाई से बनी खट्टी चटनी। इसको हम 15 से 20 मिनट तक भून लेंगे धीमी फ्लेम पर, लो फ्लेम पर। और यहाँ पर हम डाल रहे हैं इमली से बने हुए चटनी। यदि आपको चटनी की रेसिपी देखनी हो तो आप हमारे चटनी के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हमारी वीडियो लंबी ना हो जाए इस वजह से हमने यहाँ पर इसमें पार्ट वाइज अपने चाट को कंप्लीट किया है। अब यहाँ पर एक सबसे अच्छी बात बतानी थी मुझे, जो अगर आप बात करिए बनारस की चाट की, तो वहाँ पर लोग काजू और पोस्ते दाने का पेस्ट बनाकर डालते हैं और एक चम्मच खोया। इससे थोड़ा सा आपके चाट में दरदरा सा टेस्ट आता है। यहाँ पर हम डाल रहे हैं पानी और काजू और पोस्ते दाने से आपके पास में थोड़ा सा क्रीमीनेस आती है। यहाँ पर हम पानी डाल रहे हैं, सिंपल पानी, लेकिन यदि आपके पास फुल्की का पानी हो खट्टा मीठा तो आप उसे डालिए, बहुत अच्छा बनेगा। और ये देखिए जो कलर है, ये बिल्कुल वही कलर है जो आप चाट खाते हैं, उससे बिल्कुल अलग नहीं है। यहाँ पर देखिए, हम बिल्कुल मैश नहीं करेंगे चीज़ों को, हम कट करेंगे। जो भी हमारे इंग्रेडिएंट्स इस कढ़ाई में हैं उसे हम कट करेंगे, ना कि मैश करेंगे, जिससे जब आपके मुंह में ये आए तो आपको समझ में आए कि इस चाट में क्या क्या पड़ा हुआ है। और इसको हमको 15 से 20 मिनट तक पानी सुखा लेने तक भूनना है। पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए क्योंकि इसमें, अब बात करिए अगर आप अपने चाट की, तो हमारे यहाँ तो ऐसे ही इसको सर्व कर दिया जाता है, लेकिन यदि आप बनारस की चाट की बात करिए तो
तो वहाँ पे थोड़ा सा ग्रेवी के साथ यूज़ करते हैं इसको। हम कुल्हड़ में सर्व कर रहे हैं क्योंकि ये चाट जब कुल्हड़ में जाती है तो उसकी महक बिल्कुल अलग हो जाती है। अब यहाँ पे हम बनाने जा रहे हैं बनारसी चाट का ग्रेवी, इसलिए यहाँ पे मैंने डाला है देसी घी और जीरा, प्याज और टमाटर। इसको हम उसी कढ़ाई में बना रहे हैं जिससे कि जो मसाले हैं वो इसमें आ जाएं। यहाँ पर हम डाले हैं थोड़ा सा मिर्ची पाउडर, हल्दी और गरम मसाला। इसको हम भून लेंगे और थोड़ा सा पानी डालकर इसे पका लेंगे। ग्रेवी में आप भुने हुए मखाने का पाउडर डालना ना भूलें। यदि आप बात करिए इस बनारसी चाट की पूरे प्रोसेस की तो कम से कम 5 से 6 घंटे लगते हैं। ये बनारस की बात बता रहे हैं लेकिन यहाँ पर हमने फिर भी बहुत जल्दी करने की कोशिश की है। अब यहाँ पर इसमें थोड़ा सा पानी रहने देंगे इस ग्रेवी में। अब यहाँ पर देखिए हमारे चाट बन चुके हैं। यहाँ मैंने डाला देसी डाला देने डाला है रसगुल्ले की चाशनी। ये सिंपल गुलाब जामुन की चाशनी है, इसे आप चीनी पानी और इलायची पाउडर से बना सकते हैं। नींबू, अभी हमारी सर्विंग की तैयारी हो रही है। यहाँ पर मैंने डाला वही रस्सा जो कढ़ाई में भी लास्ट टाइम में मैंने बनाया है। ये ग्रेवी वाली रहती है थोड़ी सी क्योंकि ग्रेवी लास्ट में हमें डालनी होती है। यहाँ पे डाला मैंने थोड़ा सा धनिया, धनिया नमक, नमक वगैरह सब पहले से भी पड़े हैं तो थोड़ा सा टेस्ट देखते हुए रखेंगे। अब यहाँ पर मैंने रखा मिर्ची, भुना हुआ जीरा मसाला और ये मटरी। इस मटरी की जगह पे आप चाहें तो नमकीन भी, कोई भी नमकीन यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए सबको मिलाने के बाद जो हमारा चाट बना है, आई एम श्योर आपके मुंह में तो पानी आ चुका होगा क्योंकि मेरे मुंह में तो पानी आ ही रहा है। और बनाइए, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। और यदि आप इस रेसिपी की पूरी डिटेल चाहते हैं बहुत अच्छे से तो आप हमारी वेबसाइट cookingexam.in पर भी जाकर पढ़ सकते हैं। और चटनी की रेसिपी या जो भी रेसिपीज़ यहाँ पर छूटी होंगी उसके लिए आप हमारे चाट के प्लेलिस्ट या चटनी के प्लेलिस्ट में जाकर आप इसे पढ़ सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। यदि आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो घाटा आपका होगा क्योंकि अभी हमारे चाट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें जो हमारे रेसिपीज़ हैं चाट से रिलेटेड वो हम यहाँ पर अपलोड करेंगे, करने वाले हैं कुछ दिनों में जैसे ही समय मिलेगा। तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें हमारे चैनल को जिससे कि जो भी हम यहाँ पर अपलोड करें वो आप तक तुरंत पहुँच जाए। तो बनाइए, खाइए और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू।